गुलबर्गा शहर में मदरसा अरबिया तजवीदुल कुरान का पांचवा जलसा है दस्तारबंदी और मस्जिद अशरफुल मस्जिद का इफ्तिताही प्रोग्राम कर्नाटका अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी की सरपरस्ती में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट मौलाना सुफियान कासमी साहब, दारुल उलूम देवबंद मुहतमिम, मौलाना गयाज साहब रशादी प्रेसिडेंट सफा बैतुल माल इंडिया और इसके अलावा दीगर कई हिंदुस्तान भर से अहम अकाबिर उलमा इकराम ने यहाँ शिरकत किया था और साथ ही गुलबर्गा शहर और अतराफ से कई सियासतदान और शहर के जिम्मेदार यहाँ मौजूद थे। इस प्रोग्राम में कई अहम काम को अंजाम दिया गया जिसमें मुफ्ती अशरफ अली साहब की तरफ मंसूब की गई मस्जिद अशरफुल मस्जिद का इफ्तिताह अमल में आया है और मदरसा अरबिया तजवीदुल कुरान के तुलबात को हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने पर इनकी दस्तारबंदी की गई है और इस प्रोग्राम में मौजूद पाँच मुमताज़ नुमाया खिदमत गुजार उलमा इकराम को हाकिम मिल्लत अवार्ड से नवाजा गया है और साथ ही इसके अलावा कई दीगर उलमा इकराम को तोहफे वगैरह दिए गए हैं। इस प्रोग्राम में लगभग 2500 के करीब लोगों ने शिरकत कर प्रोग्राम को कामयाब बनाया है। गुलबर्गा शहर में मदरसा अरबिया तजवीदुल कुरान पिछले 10 सालों से मौलाना नज़ीर अहमद रशादी की निगरानी में चलाया जा रहा है। मज़ीद जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ज़कात को फर्श पर नाजिल फरमाया, ईमान को फर्श पर नाजिल फरमाया, कुरान को फर्श पर नाजिल फरमाया, लेकिन जब नमाज की बारी आई तो मेरे रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, हम आपको एक तोहफा देने वाले हैं, ये तोहफा बहुत आला है, ये तोहफा बहुत अरफा है, आला व अरफा तोहफे को आला व अरफा मुकाम पर ही अता किया जाता है, लिहाजा अर्श इलाही पर बुलाकर अता किया गया। बिरादर मिल्लत तौहीद व ईमान के बाद सारे अंबिया अलैहिस्सलाम ने नमाज की ही तलकीन की और नमाज की हिदायत दी। कुरान मजीद में जगह जगह अकीमुस्सलाह अकीमुस्सलाह जिक्र किया गया है और कहीं ये अल्फाज भी है, या अय्युहल्लज़ीना मनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, तर्जुमा, ऐ ईमान वालों तुम नमाज और सब्र के जरिए मुझसे मदद तलब करो। जब सहाबा इकराम को रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की बशारत और मेराज के तोहफे का जिक्र किया तो सारे सहाबा झूम उठे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अब तो हम नमाजों के जरिए खुदा से मदद तलब करेंगे, अब तो हम नमाजों के जरिए अपनी मुश्किलात को आसान करेंगे, अब तो हम नमाजों के जरिए अपनी परेशानी को टाल देंगे, अब तो हम नमाजों के जरिए खुदा से बातें करेंगे, अब तो हम नमाजों के जरिए खुदा से दिलगी लगाएंगे, अब तो हम नमाजों के जरिए खुदा से मोहब्बत करेंगे। नमाज ही ऐसा तोहफा जिससे नमाज इंसान से अफजल वरफा होता है, नमाज से इंसान के चेहरे पर रौनक आती है, नमाज से इंसान अफजल वरफा होता है, नमाज ऐसे वक्त चिराग का काम करता है जिस वक्त चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होता है। अल अदब शजर वल इल्म समर फकैफ तजिदून समर बिदून शजर, अदब की अहमियत को बताते हुए इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह सीर आलम नुबला में लिखते हैं कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह की मजलिस में 5000 से ज्यादा तलबा शरीक हुआ करते थे, जिनमें से सिर्फ 500 तलबा ऐसे थे जो मेरी तकरीर का अनवान है प्यारे नबी कैसे थे। मैं हैरान हूँ बात कहाँ से शुरू करूँ, क्या बयान करूँ क्या ना बयान करूँ, किस तरह बयान करूँ कैसे बयान करूँ, वो जबान व ताकत वो सलाहियत वो इस्तेदाद कहाँ से लाऊं जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ कामिला अखलाक फाजिला और खसाइल हमीदा के बयान करने का हक अदा हो सके। हजार बार बशोयम दहन जमुश्क व गुलाब हुनूज नाम तू गुफ्तन कमाल बे अदबीस्त, आपका हुलिया मुबारक बयान करो, आपके कामत ज़ेबा का तज़किरा करो, आपकी उंगलियां आपके हाथ पांव आपके बाल आपकी रिश मुबारक का तज़किरा करो, आपकी चाल आपकी रफ्तार अंदाज गुफ्तगू बयान करो, अपना और गैरों के साथ सुलूक व बर्ताव की बात करो, इंसानियत की फलाह बाबूद के लिए आपकी बेचैनी इज्तिराब व मेहनत व कोशिश का तज़किरा करो, आपके ज़ौक इबादत शौक शहादत को बताओ, आपके इमाम रसूल सरताज औलिया सैयदुल अव्वलीन वल आखरीन और अफ़ज़ल कायनात होने को बयान करो, आपकी चाल में फुर्तीलापन और जमाव था, झुककर चलने की आदत थी, सीधा निकाल कर मुतकबिराना कभी नहीं चले, आपके दोनों मोहनों के दरमियान दूसरों के मुकाबले में कुछ ज्यादा फासला था, खुद सबसे ज्यादा गैरतदार थे, सबसे बड़े हाबिद और जाहिद थे, रसूल अदकिया थे, सिराजुस सालिकीन थे, सादगी और कनाअत की जिंदगी गुजारने वाले थे। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया लौट गए ढूंढ के मुशरिकीन मक्का, एक कमजोर सा मकड़ी का जाला दुश्मनों की राह की दीवार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया ऐसे वक्त में फिरक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लोगों को तसल्ली दी और दुश्मन इस्लाम की दहशत दानियों पर नजर रखा, अपने हौसलों को बुलंद रखा और दूसरों के हौसलों को बुलंद किया।
अपनी सलाहियतों के जरिए फितनों को दबाया और पुरसुकून माहौल बनाया। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, आदमी वो नहीं हालात बदल दे जिनको, आदमी वो नहीं हालात बदल दे जिनको, आदमी वो होते हैं जो हालात बदल देते हैं। पीपल कॉल हिम सादिक एंड अमीन, ही वॉज वेरी काइंड, ही ऑलवेज हेल्प द नीडी। Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lived in a small hut. He gave all the money to the poor. Sometimes they did not have food to eat. He prayed to Allah to give food to all. I conclude my speech. Thank you all for listening to me patiently. I would like to thank Madrasa Arbiya Tajweedul Quran for giving me a chance to enhance my Islamic studies. Thank you so much and have a nice day. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi ke shahar mein jao, sukoon e qalb mein pao, na wapis mud ke main aao, sukoon e qalb mein pao. Ahliyane Gulbarga मसरूर और मुतमईन है, जिनकी इमामत और कजात को यह सरजमीन तस्लीम करती है। इस शख्सियत को यहाँ के अवाम खवास हजरत मौलाना अब्दुल वाहिद साहब रशादी दामत फयूज़ुहुम कहते हैं। आप हमारे तशरिया गुलबर्गा के सदर काजी, मजलिस उलमा के जनरल सेक्रेटरी, जामिया मस्जिद स्टेशन बाजार के इमाम खतीब हैं और मदरसा अरबिया कुरान गुलबर्गा का यह अजीमुशान सालाना इजलास का यह ज़बरदस्त मजमुआ गवाही देता है। आपने जो इल्मी दीनी मिल्ली खिदमात अंजाम दी हैं वो सरजमीन गुलबर्गा के लिए अजीम एहसान है। जिम्मेदारान इदारा, आज आपकी इन 30 साल बेशबाह खिदमात पर हकीमुल मिल्लत अवार्ड पेश करते हुए फरहत और शादमानी महसूस करता है। यकीनन हकीमुल मिल्लत की लतीफ़ निगाहें आपकी फकाहत और जहानत इल्मी लियाकत की मोतरिफ थी कि हकीमुल मिल्लत की हयात बाबरकत में ही आपका बहैसियत काजी इंतखाब अमल में आया, जो अलामत है इस बात की कि आप हजरत हकीमुल मिल्लत की निगाहों में एक मुस्तनद आलिम और एक मोतबर काजी थे। इदारा अमीर कल्ब से आपकी खिदमात का एतराफ करता है और हकीमुल मिल्लत अवार्ड पेश करता है। मैं मां गया सब रशादी से गुजारिश करता हूँ कि शहर गुलबर्गा के काजी हजरत मौलाना अब्दुल वाहिद साहब रशादी, जो मेरे उस्ताद मोहतरम है, हकीमुल मिल्लत अवार्ड पेश फरमाए। अगर इसको हम कम्युनिटी सेंटर के तौर पर भी इस्तेमाल करें, लोगों को मस्जिदों से जोड़ने के साथ साथ इससे हम एक मुआशरती निज़ाम कायम करने की कोशिश करें और हम इस मस्जिद में अच्छे वॉलंटियर्स को वहाँ पर मुंसलिक करें, वहाँ के जरिए इंसानियत की बुनियाद पर खिदमत की कोशिश करें और उस मस्जिद को सिर्फ मुसलमानों के साथ खास करने के बजाय उस मस्जिद से इंसानियत की तामीर का, इंसानियत की फलाह बहबूद का, मुल्क की तामीर का अगर हम काम करें और इस नफरत के माहौल में जहां मीडिया पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि नफरत को भड़काकर इस मुल्क में इंसानों को इंसानों के साथ टकराया जाए, ऐसे में अगर ग्राउंड लेवल पर, इलाकाई सतह पर अगर हम मोहब्बत के पैगाम को मस्जिद से आम करेंगे, हमारी मस्जिदों से खिदमत का काम होगा, हमारी मस्जिदों से इंसानियत खिदमत का खिदमत लेगी और हमारे इलाके के लोगों का, चाहे मुसलमान हो के गैर मुस्लिम, पानी का इंतज़ाम मस्जिद से होगा, उनके इलाज व मुआलजे का इंतज़ाम मस्जिद से होगा, हुकूमत की स्कीमात से उनको मुंसलिक करने का इंतज़ाम मस्जिद से होगा, उनकी तालीम व तालुम का इंतज़ाम अगर मस्जिद से होगा तो वो टीवी पर, टेलीविज़न पर नफरत की आवाज़ सुनेंगे लेकिन वो अपनी करीब की मस्जिद को देखकर इस बात का यकीन अपने दिल के अंदर पैदा करेंगे कि ये टेलीविज़न में आने वाली नफरत की आवाज़ झूठी है और हकीकी मुसलमान वो है जो हम अपनी मस्जिदों में उनको देखते हैं। जैसे ही हम लोगों के करीब होते रहते हैं, उनको माफ़ करते हैं, उनको दरगुजर करते हैं और उनके साथ मोहब्बत का मामला पेश करते हैं और उसको सिर्फ लाइट लेते हैं, अपने ऊपर नहीं लेते, दिमाग पे नहीं लेते हैं, मैं आसान अल्फाज में कह रहा हूँ, तो इसका इलाज यह है कि हम इस खौफ से बाहर आते हैं। फिर एक तीसरा स्टेज है, वहाँ पर खौफ आता है कि मैं जो कुछ भी हूँ वो कुछ नहीं हूँ, अल्लाह ताला बहुत नेमतें देते हैं लेकिन हम उस नेमतों को जानते नहीं हैं और पहचानते नहीं हैं, इस खौफ में रहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं। हम अपनी ज़िंदगी के पर्पस को, लाइफ के पर्पस को कैसे तलाश करें? मेरा जो फेवरेट तरीका है वो एक जैपनीज़ तरीका जिसको कहा जाता है इकीगाई, इसको नाम है इकीगाई, कि अपनी ज़िंदगी को, मकसद को तलाश करने के चार जावी होते हैं, चार जावियों से सोचने से हमको बहुत आसानी से अपनी ज़िंदगी का मकसद मिलता है।
पहला जाविया यह है कि हम वॉट गुड एट, किस चीज पे हम महारत हासिल रखते हैं। आप हर आदमी के अंदर अल्लाह ताला ने जो खसूसियात दी हैं उसमें सबसे पहले हमको अपने मकसद ज़िंदगी को तलाश करने के लिए हमको ये देखना है कि मैं किस में, मेरी सलाहियतें किस में ज़्यादा है। दूसरा जाविया है उसको देखने का, वो ये है कि वो चीज़ को आप प्यार भरे अंदाज में करें, आपको वो चीज़ बहुत पसंद होनी चाहिए। अगर आप वो चीज़ करना ही नहीं चाहते हैं, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है और उससे जिससे आपको प्यार ही नहीं है, अगर वो आप करने जाएंगे तो उसमें कामयाबी मिलना बहुत मुश्किल है। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام I heartily first welcome the eminent Islamic scholars especially مولانا سفيان صاحب خاصمي دامت بركاتهم and Maulana Saghir Ahmad Sahab Rashadi, Amir Shariat Karnataka and Maulana Ghayas Sahab Rashadi, President Safa Baitul Mal and President Member of Mehrab Foundation. And the students have the separate classes. There the students were sit together, but Alhamdulillah, by the grace of God, Alhamdulillah, here the separate classes has been done as you all seeing. Inshallah, for students there will be a playground, there will be a computer classes. I am here to say the mission, vision and the aim and objectives of our institute. Inshallah, as you all see, the many students have came and they have done the khirat in front of you. Since last 1 year, there is a new system we have started by the name Hauzarani, the new way of khirat. Alhamdulillah, since last year, we have come up with many changes in the students. The students are coming with many varieties of khirat, and students, we are giving the many knowledge to the students, like basic English, basic Urdu grammar, and basic mathematics. As you all know that since last 10 years, the Madrasa Tajweedul Quran is providing the modern school as well as to organize the account system. Alhamdulillah, Madrasa Tajweedul Quran is merged with the software EduSoft. I thanks to Maulana for this beautiful software. By this, we get the many options to organize the students, to provide the easy solutions to students. In that, there are many options. I don't have time to go in details about the software. Alhamdulillah, Madrasa Tajweedul Quran is under proper account section through the software. And I also want to appeal to the other madrasa of Gulbarga who want to merge with the software of Maulana. Inshallah, I, Muhammad Laiq, is here to support the other madaris. I give, inshallah, my time to the other madaris also to organize the system and account system. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخرة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دو پروگرام اس میں شامل ہے ایک اللہ کے گھر کا افتتاح ہے مسجد اشرف المساجد کا افتتاحی پروگرام اور مدرسہ عربیہ تجوید القرآن کا جلسہ دستار بندی ہے جہاں مہمانان رسول موجود ہیں جو اس سال حفظ قرآن تکمیل کیا ہے اور اس سے پہلے بھی جو طلبہ نے حفظ تکمیل کیا ہے ان سب کے لیے سندیں عطا کی جائیں گی میں جو ہے یہاں صرف آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوں بچوں کے کھانے کا نظام صحن میں ہے جو ٹین ڈالا گیا ہے بارش آتا ہے تو بڑی تکلیف ہے اور اسی طرح ذریات سے فارغ ہونے کے لیے دو تین بیت الخلاء کے علاوہ سو سوا سو بچوں کے لیے کوئی نظام نہیں ہے اور یہ سردی کا موسم اور ہمارے جو دروازے ہیں وہ گریل کے ہیں جو موسم جو سرد موسم ہے اس میں جو طلبہ کو تکلیف ہم نے محسوس کیا وہ ہم جانتے ہیں یہ مہمانان رسول حاملین قرآن کیا اس قابل نہیں ہے کہ انہوں گرم بستر دیا جائے اچھی درسگاہ دی جائے
अच्छी लाइब्रेरी दी जाए, जदीद आला से आरास्ता करके मैदान में उतारा जाए, हाके हमारी मिल्लत की डूबती नैया को बचाएं और हमारी मिल्लत की सही रहबरी करें। शदीद जरूरत है ऐसे असबाब मुहैया हो जिनके लिए, इनकी तरक्की के लिए और इनके आगे बढ़ने के लिए किसी किस्म की कोई रुकावट ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहली जगह पर काम किया, करते रहेंगे। पहला काम तो तालीम व तदरीस का निज़ाम, दूसरा जो मदरसे का शोबा है वो इस्लामिक हॉस्टल। मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह के सोहबत याफ्ता अफराद से मुलाकात के बाद, आपकी किताबों के मुताले के बाद, हजरत की एक फिक्र थी कि कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा को तरबियत का सामान मुहैया किया जाए, ऐसा माहौल दे जो इस्लामी हो, तो मदरसा तजलील कुरान ने वो माहौल शुरू किया। किराए की बिल्डिंगें लिए, दिन भर कॉलेज का निज़ाम, फजर के बाद और इशा और मगरिब के बाद तालीम और तरबियत का निज़ाम। इसमें वो तलबा बैठे हैं जो बी मैकेनिकल किए और मेडिकल कर रहे हैं, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह खारिजी वक्त फारिग करके उन्होंने हिफ्ज मुकम्मल किया है, और वो तलबा, उनकी इफादियत, उनकी जहन की उसात जरफी, उसको मैं बता नहीं सकता। उनकी दाढ़ी और उनका जुब्बा, उनका माहौल, उनकी नमाज की पाबंदी और उनका 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 किरदार व अमल, मैं बहुत मुतासिर हुआ। मैं इस स्टेज से कहना चाहता हूँ, मैं बहुत मुतासिर हुआ। ये बात समझ में आ गई, अगर कॉलेज के बच्चों को जरी रहबरी की जाए, उन्हें जरा माहौल फराहम किया जाए, थोड़ी हमदर्दी पेश की जाए, उन्हें जरा सरपरस्ती दी जाए, कसम खुदा की बड़ा तबका वहां भी छुपा है। और ये काम मदरसा तजलील कुरान अंजाम देने की कोशिश में लगा है। और तीसरा काम, देहातों के मकातिब। दारुल देवबंद ने पहले दिन से 10% का बजट मकातिब के लिए खास किया। ये अल्लाह का एहसान है कि 2013 में तालुका चिंचोली के होड़े पीर नली पर 1 एकड़ जमीन इदारे के लिए खरीदी गई। उसका मकसद ये था कि आइम्मा तरबियती सेंटर वहां कायम किया जाए, और 11 मकातिब वहां जारी हैं, जो 35,000 रुपए तनख्वाह अल्हम्दुलिल्लाह महाना मुसलसल जो है तरतीब के साथ जारी है। वहां मकातिब का निज़ाम है और यहाँ हमारे आइम्मा भी आए हुए हैं। मदरसा तजवीदुल कुरान में बारहा आना होता है, और इस साल ख़ास तौर पर अजीज़म मौलाना नज़ीर अहमद रशादी ने बच्चों के इम्तिहान के लिए मुझे बुलाए, और बुलाकर उन्होंने कहा कि मौलाना बच्चों का इम्तिहान, ये बच्चे 6 बच्चे इस साल हाफिज़ कुरान हुए, और इनको आप जहां से चाहे वहां से पूछ सकते हैं। और साथ साथ ये वो बच्चे हैं, इस साल से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का जो तरीक़ा और नहज इख्तियार किया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुनने के बाद मैं मुतमईन हुआ। एक बच्चे का तो फजर की नमाज के बाद मैंने आया आकर तकरीबन 2 बजे तक मैंने सुना, तकरीबन 6 से 7 पारे लगातार। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही बच्चों की तालीम का निज़ाम रखा गया है। बस हम दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला इस इदारे को तरक्यात से नवाजे। अगर यूँ कहूँ कि शिमाली हिंद का एक कुतुब मीनार यहाँ मौजूद है और जुनूबी हिंद का 4 मीनार अगर यहाँ मौजूद है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा। हमें अपने अकाबिर पर फख्र है, जब तक इनका साया हम पर है हमें फिक्र नहीं है कि हम अपने सरपरस्तों के दरमियान मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमारे इन अकाबिर को सेहत बख्शे, तवानाई बख्शे। वो मुख्तार कुल है रब्बुल जलाल, वो फ़ालु लिमा युरीद है रब्बुल जलाल। वो जिस उम्र में चाहे सेहत और कुव्वत दे सकता है, हम उससे कभी ना उम्मीद हरगिज़ नहीं होंगे। बड़ी कोशिशें हैं, बड़ी काविशें हैं। हमारे दरमियान में जनाब वहीद साहब मौजूद हैं बड़े दर्द के साथ। लोग पैसा तो बहुत खर्च करते हैं, मगर ये कि अपने दर्द के साथ अपना वक्त लगाकर हमारे जनाब वहीद साहब ने हैदराबाद से आकर मुस्तकिलन यहाँ क़याम करके अपनी वहाँ की मसरूफियात को छोड़कर यहाँ रहकर उन्होंने अपनी निगरानी में एक अच्छे स्टैंडर्ड अंदाज में उन्होंने भी किसी भी किस्म के ब्रांड के लिए और एक मेयार के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे अंदाज में
बहुत प्यारी मस्जिद तामीर की। हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुम मस्जिद अंदर तशरीफ ले गए तो हज़रत ने फरमाया कितनी प्यारी मस्जिद और खूबसूरत मस्जिद तामीर की है, मेयारी मस्जिद तामीर की है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वअला आलिही वअज़वाजिही वअस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद फक़द क़ाल अल्लाह तआला फ़ी किताबिल हकीम वआताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमू وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفورا। हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद ख़ान साहब दामत बरकातहुम अलिया शेख़ुल हदीस और मोहतरम दारुल उलूम सबील अल इरशाद बेंगलोर और इस मदरसे के रूह रवां जनाब हज़रत मौलाना नज़ीर अहमद साहब बानी और मोहतरम मदरसा तजवीदुल कुरान हज़रत मौलाना गयास अहमद साहब रशादी दामत बरकातहुम हज़रत मौलाना शरीफ अहमद साहब सदर जमीयत उलमाए हिंद और बिरादर अज़ीज़ जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल मोहीन साहब हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी जो बेहतरीन मुफस्सिर बड़े कादिरुल कलाम खतीब और एक बेहतरीन आलिम, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुज़रा अभी, शायद उनके जानने वाले उनके मिलने वाले अभी मौजूद हैं अगरचे ज़ईफ़ुल उम्र हो चुके। मैंने खुद सुना उनके एक जो करीबी मिलने वाले थे कि इस बात का मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी साहब को तफसीर कुरान पर तो खैर वो मारूफ थे ही और एक बड़ी शोहरत थी उनकी, लेकिन उसके अलावा इल्मे हदीस पर उनको बड़ा उबूर हासिल था और साथ साथ सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जैसे वाकयात उनको अजबर याद थे। लोग फरमाइश क्या करते थे, एक मरतबा उनके किसी अकीदतमंद इरादतमंद शागिर्द रशीद ने पूछा और ये सवाल उस वक्त किया कि जब वो ट्रेन में सवार हो रहे थे कहीं जा रहे थे, कहने लगे हज़रत एक मेरे जहन में एक सवाल आता है कि आपकी माशाल्लाह बड़ी खिदमात हैं, अगर कोई शख्स ये चाहे कि मैं कुरान करीम के अहकाम पर जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए और फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका पर और सीरत तय्यबा के जो इख्तिसासात हैं इम्तियाजात हैं उस पर बैक वक्त अमल कर सकूं, तो कौन सी ऐसी मुख्तसर बात हो सकती है जो आप मुझे समझा दें कि जिसमें इन तीनों का खुलासा आ जाए कि जिसमें कुरान करीम का भी खुलासा आ जाए, अहादीस नबवी का भी खुलासा आ जाए और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इख्तसार उसके अंदर आ जाए। और तमाम उलमा जो इस शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा है और साथ ही साथ यहाँ पर आए हमारे मोहतरमा खनीस फातिमा साहिबा, उन्होंने ख़ास एक पैगाम के लिए उन्होंने जो है मुझे कहा है कि आज सबसे पहले मैं मौलाना नज़ीर रशादी साहब को मुबारकबाद देता हूँ आज इस बेहतरीन मस्जिद और मदरसे के इब्तिदा के लिए अमीर शरीयत क़िबला को आप बुलाए हैं और उनके आमद पर सारे गुलबर्गा में एक खुशी का माहौल है। मैं शुक्रगुजार हूँ मौलाना का कि हमेशा की तरह जिस तरह से खमरुल इस्लाम साहब यहाँ पर गुलबर्गा में जब तक थे, जब तक जिन पूरे उलमाओं का साथ और पूरे कौम का साथ उनका गुलबर्गा में साथ रहा है और कर्नाटक में भी जब तक वो वजीर थे पूरे उलमा उनका साथ दिए हैं और वो भी
पूरे सीरत को, मिल्लत को और उल्माओं को, उल्माए दीन को, सज्जादगान को, सभी को साथ लेकर चले हैं। उसी तरह मोहतरमा भी चलने की कोशिश कर रही हैं। मौला हजरत से और तमाम उल्मा से कि गुलबर्गा के अमन के लिए, गुलबर्गा की इत्तेहाद के लिए आप लोग दुआ कीजिए और हमेशा से जिस तरह से मोहतरमा का साथ देते आए हैं उसी तरह साथ दिए। मैं दुआ को हूँ और दुआ करता हूँ कि सारे दुनिया के हालात, जो मुसलमान के हालात है, वो हालात इंशाल्लाह सुधरेंगे। मैं 2-2.5 साल पहले यहाँ आया था जबकि यहाँ संगे बुनियाद रखी गई और दुआ की गई थी। पूरा जंगल था तो अल्लाह की तौफीक इन पर हुई है, अल्लाह की मदद और नुसरत हुई है कि इन्होंने जंगल में मंगल मनाया है और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद खुशनसीब बंदों के वास्ते से ये मस्जिद की तामीर फरमाई और तलबा के लिए इन्होंने कमरे भी तामीर फरमाए हैं। और अगर इस हालत को देखा जाए और पुरानी जो 2-2.5 साल पहले मैंने जो देखा था, कोई इन दोनों के बीच में कोई मुनासिबत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसी तरह इनकी मदद फरमाएगा और ये मदरसा तजवीदुल कुरान बराबर अल्लाह की मदद से तरक्की के मुनाजिल तय करता चला जाएगा। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام ربنا حينا بالسلام وادخلنا الجنة في دار السلام تباركت ربنا وتعالى تياز الجلال والإكرام اللهم لك الحمد وحمدا دائما مع دوامك اللهم لك الحمد وحمدا خالدا مع خلودك ربي اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين يا الله هم پر رحم فرما يا الله اپنا کرم فرما يا الله ہمیں ہدایت عطا فرما يا الله ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما يا الله جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے مدارس کی مساجد کی معاہد کی ہمارے علماء کی طلبہ کی اور عامۃ المسلمین کی حفاظت فرما اے اللہ روشنی دکھا اے اللہ ہدایت عطا فرما اے اللہ جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جو ہم میں جا چکے ہیں ان کی مغفرت کاملہ فرما اے اللہ ان کے اعلیٰ علیین میں مقام کریم سے سرفراز فرما اے اللہ ان کے حسنات کو قبول فرما اے اللہ ان کے سیئات کو معاف فرما اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ و مستبدہ عطا فرما اے اللہ اپنا فضل فرما اے اللہ اپنا کرم فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين।